इधर हो रहा है दूध गरम और इधर हो रहा है रवा। आज मेरा लड़का का डब्बे में जाएगा रवा, मीठा रवा बना रही और उसका डब्बे में चला जाएगा। आज वो रवा लेके आएगा। इसमें घी, इलायची, छोटा इलायची, घी, काजू, किशमिश डाल दी। अब इसमें डालेंगे पानी, एक मिनट इसमें डाल देंगे पानी। दूध डालते थे, अभी मेरे पास दूध कम है, देखेंगे थोड़ा सी दूध डाल देंगे। फटक से बन जाएगा। डब्बे में रवा उसका, चले फिर इसमें थोड़ा दूध डाल दे। ये हो गया, घी डाली थी, दूध डाली, ये हो गया बन के तैयार हमारा रवा। आज आप लोग का सा सुबह मैंने मीठे से सुबह बन के तैयार रवा। ऐसा करके तो ठंडा हो जाएगा जल्दी है। और इसमें रख दो चम्मच। चलो फिर मिल लो इन लोगों भी गया, दूध भी हो गया मेरा। चले चले गाइस, आज नाश्ते में क्या है देखा दे रही आप लोग को। रवा, ये देखिए रवा,
रोटी, गरम गरम रोटी। इधर है दूध, ये मेरा गोली का किट, ये पानी बोतल, मैं सब लेके बैठती हूँ एकदम। अरे रावा और है जो सुबह मैंने बनाई थी मेरा लड़का का डब्बे के लिए, वो रावा है, वो वाला रावा जो उसका डब्बे के लिए बनाई है वो। तो ये एकदम जास्ती बनाई थी जैसे उसका डब्बे में भी हो जाए और हम लोग भी खा पा। तो उसके लिए देखे रवा, रोटी, दूध, इधर है मेरा गोली का किट, पानी उठे। तो चलिए नाश्ता कर ली और रोटी मैंने आप भी बनाई गेस्ट। ए जा जल्दी जल्दी कर। तो चलो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग फॉर MW। और आप लोग सब कैसे अच्छे हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छी हूँ। और सुबह से तो सब हो रहा है, आज नाश्ता भी कुछ अलग यूनिक नाश्ता की है। रोज़ रोज़ दूध बिस्किट खाते हुए आप लोग को नहीं दिखाई, आज दिखाई क्या नाश्ता की। आज की थी रवा रोटी, क्योंकि सुबह ही रवा बनाई लड़का का डब्बे के लिए, वो स्कूल गया तो उसको डब्बे के लिए रवा दे दी। उसको बोली थी शक्कर रोटी, मतलब रोटी रख देंगे उसको सेक के शक्कर डाल के फिर को दे देंगे, लेकिन उसका पापा ने कल रोटी खा लिया था रात को सब रोटी। उसके लिए रोटी नहीं बचा तो क्या करूँ। फिर मैं बोली ठीक है तेरे को मैं रवा बना के दे रही, तो वो तो नहीं खाता है, फिर भी मैंने उसको रवा बना के दे दी, लेके गया डब्बे में। अब ये भी रवा रोटी लेके जाएंगे डब्बे में, हे लेके आने का जो करने का कर, ये बहुत बेकार है। उसको कुछ भी दे दो ना वो लेके चला जाता है, खा लेता है, इसका नखरा चलता है। करेंगे, मैं कॉल करेंगे, उठाऊंगा ही नहीं कॉल, फिर मत उठा। इसके लिए ना एक दिन मैं मरने वाली हूँ, ये बहुत मेरे को सताता है, जो मुंह में आता है ना वही बोलता रहता है। हाँ आप लोग को एक दिन मैं गपचुप कैमरा ऑन करके मैं सुनाएंगे, वो मेरे को क्या बोलती है क्या नहीं, जो मुंह में आएंगे वो बोलती रहती है। मैं आप लोग को सुनाएंगे देखने का वीडियो, लेकिन ब्लैंक रहेगा, लेकिन सुनाएंगे देखने को क्या बोलते क्या नहीं। जाना चावल बेटा ना कॉलेज जाने का है, तो साफ करके बेटा, कपड़ा धो के हो गया, झाड़ू लगा के हो गया, अभी सिर्फ मेरे को कपड़ा डालने का है और खाना बैठाने का। आज खाने में बनेगा आलू मेथी की भाजी और दाल चावल। देख लो कौन सा दाल बना, तू कांदा वाला दाल क्या पचफनी वाला दाल, जो भी दाल बनाने का बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे पचफनी वाला दाल बहुत टेस्टी लगता है मेरे को खाने के लिए, देख लो वही करेंगे। तो चलिए देखते रहिए, साथ रहिए, क्या कर रहे क्या नहीं फिर आप लोग को बता रहे। चलिए पूरा दिन रहिए, और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर देने का वीडियो को। तो चलिए देखा रहे, चलिए देखते कपड़ा धो के रखा वो डालने का, और ये चावल जो चुन के रखा चुनने वाला भी मैं ही, मैडम सही बात चुने, अभी वो बैटर है बस बहुत हो जाएगा। अरे राशन की चावल बहुत, आप लोग को देखो रू देखे देखे कितना सफेद एकदम, देखो इतना थी। हाँ बस हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अभी चावल बैठेगा फिर बाद में डाल। तो चलिए मैं कपड़ा डाल लूँ, और कल से बारिश बंद है, शुक्र है शुक्र है, थोड़ा धूप आ रहा है। चलो तो गाइस सीधा डाल बैठ गया, डाल बैठा थी
कुकर में। अरे मिर्ची है, मेथी में जाएगा। ये देखिए चावल हो गया, काल का बचा हुआ चावल है, ये काल का है, खा लेंगे ख़त्म कर लेंगे। ये आज का है जो अभी बनाई थी, वो चावल हो गया। हम लोग कुकर में चावल बनाते हैं ना, इसके लिए दो ये। और इधर मेथी जो कल लाई थी, आप लोग को दिखाई थी, मेथी की भाजी लाई थी, वो मेथी कल मैं और मेरा हस्बैंड मिलके मेथी की भाजी को पूरा साफ़ की थी रात को। और अभी पानी आया था पीने का पानी, तो तभी मैं पूरा भाजी को अच्छे से धो ली, धो के ऐसा पानी निकलने के लिए रख दी, अच्छे से धोई, क्योंकि बहुत मिट्टी रहते मेथी की भाजी में। ये हो गया धो धा के, और इधर कपड़ा डाल के हो गया, देखिए सब कपड़ा डाल दी, सब कपड़ा डाल डुल के हो गए। और घर में कोई नहीं है, देख लीजिए इधर सब कपड़ा पड़ा है, सब है, कोई नहीं है घर पे, सिर्फ मैं अकेली। एक मिनट है, देखिए इधर का भी सब काम हो गया, मैं अकेली अकेली हूँ। फिर सब कपड़ा साफ हो गया, देखे एक भी कपड़ा नहीं है, पूरा साफ दे। इधर भी और सब कपड़ा बाहर डाल दी, धूप पड़े थे। दीवार के ऊपर जो कपड़ा दिखाई दे रहा है ना, ये सब मेरा कपड़ा है, मैंने डाली, धूप पड़ा था उसको पूरा डाल दी, सूख जाएगा। इधर सांपे वो थैली लेके जाएंगे, हो जाए। और बाकी धूप पड़े बोल के दीवार में सब कपड़ा डाल के सूखने दी। अभी मैं कांदा बटाटा काट लूँ, जैसा मेथी की भाजी में जाएगा बटाटा कांदा दोनों डाल के मैं आलू मेथी की भाजी बनाएंगे और दाल बनाएंगे कांदा ला। तो चलिए ये सब काट लूँ। तो गाइस अभी तो घर पे कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। देखिए किचन की लाइट बंद करके डाल रहे टकाई, तो दाल होता रहे, सीटी भी बैठेगा, सीटी गिरेगा कुकर का, इसके लिए वो गैस चालू करके कुकर बैठेगा और लाइट बंद करके, तीन सीटी गिर जाएगा तो मेरा दाल हो जाएगा। और देख के धूप अप डाउन कर रहा है, आ रही जा रहा है, आ रही जा रहा है। एक बार डाली कपड़ा, फिर बारिश आ गया था, बूंदाजी बारिश हो रहा था, बारिश बुन 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 बारिश चालू हो गया था। फिर भाग के साथ कपड़ा उठाए, मेरी लड़की को बोली तू उठा, मैं कपड़ा डाल रही थी बोल के, उसको बोली तू उठा दे, वो उठा के रख के कॉलेज गए। फिर देखी तो आके देखी एकदम कड़क धूप हो गई, फिर सब कपड़ा बाहर डाले ऐसा कि, तो सब कपड़ा सूख जाएगा ना, मतलब थोड़ा गर्म हो जाएगा, तो उठा के रख देंगे कपट में, घड़ी करके कपट में रख देंगे। और अभी आएंगे मेरा लड़का, अभी कितना बज रहा मन में, 12:24 हो गए, अभी वो थोड़ी देर में ही आ जाएंगे। और मैं कांदा अंदा काट लूँ, पाए मेथी बनाएंगे, आलू मेथी की भाजी और दाल चावल, बस और कुछ नहीं। और उसका पापा का खोबड़े का चटनी है, वो उससे खा लेता है, खोबड़े का चटनी से वो खा लेता है, और मेरे को चाहिए रहता तो मैं अचार से खा लेती हूँ या पापड़ बना के खा लेते ऐसे, तो हम लोग को चल जाता है, कुछ भी एक भाजी से हम लोग खा लेते हैं, दाल एक सब्जी से हो जाता है, उतना ही है नहीं। तो चलिए अकेले अकेले क्या करूँ, बैठे बैठे यही सब काम करूँ, बोर होती हूँ अकेले। एक चली उन लोग रहेंगे ना, एक रहेंगे ना तो कुछ नहीं उतना, मेरा लड़का रहेंगे ना मेरे से बात करता रहता है, वो उसका मर्जी से रहेगा, मोबाइल लेके या कुछ ना कुछ वो करेगा, फिर मेरे से गप्पे करेगा ऐसा है। और मेरी लड़की रहेंगे ना, वो मेरे को बहुत नहीं होता मेरे को, उड़ाएंगे काम करती है एक तरफ, ऐसा आप लोग सोचिए मत, जो दोनों को दो आँख से क्यों देखते हो, लड़का को प्यार करते हो लड़की को, दोनों को ही मैं प्यार करती हूँ, ऐसा नहीं जो एक को नहीं, दोनों को ही। लेकिन लड़का को कुछ बोलेंगे ना, वो जाके करके आएंगे, करके भी देते थोड़ा बहुत, लेकिन लड़की को अगर कुछ मैं बोली ना, वो उल्टा बात सुना देती है, इसके लिए थोड़ा ये होता है उसका, पर मेरे को गुस्सा आते हैं, जैसे उसको कुछ बोलेंगे ना एक कर रहे, वो उल्टा सुना देंगे, या वो अगर मुँह का ऊपर नहीं बोलेंगे ना
तो बुड़ 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 करेंगे, अकेले अकेले में कुछ भी बड़ 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 करके सुनाएंगे। मतलब वो अकेले में मुँह के ऊपर तो बोल देते हैं, मुँह के ऊपर कभी 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 वो ऐसा लिपसिंग में ही वो अपने को बात सुना देते, समझ में आते जो आपने कोई सुना रहा है ऐसा है, तो उसके लिए ऐसा है। और दोनों जन रहेगा तो मार दंगा झगड़ा मेरा दिमाग खराब करने का यही काम करता है ऐसा है, तो क्या करूँ मेरे को समझ में नहीं। दोनों को ही लेके चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ के उसको, उसको छोड़ के उसको, ऐसा नहीं। और फिर ऊपर से मेरी मम्मी की बरसी भी आ रहा है, मेरी मम्मी की बरसी, एक्चुअली मेरी मम्मी की बरसी आता है 30 अक्टूबर को, और दूसरा इसमें पकड़ेंगे तो अभी नवरात्रि का जो पंचमी आता नहीं क्या, पांचवा दिन का नवरात्रि का पंचमी का दिन मेरी मम्मी का निधन हुआ था, मेरी मम्मी गुजर गया था, सुसाइड किया था, पंचमी का दिन सुसाइड कर लिया था, तो उसी दिन गुजर गया था। तो षष्ठी का दिन उनको जलाया गया था ऐसा है, तो पंचमी को भी मानते हैं, 30 अक्टूबर को भी माना जाता है। 30 अक्टूबर को मेरी बहन की बर्थडे आती है, बिजवली बहन की, उसी दिन मेरी मम्मी की बरसी भी आती है, एक ही दिन में दोनों। फिर मेरी बहन की अभी 7 दिसंबर की 7 तारीख को शादी का सालगिरह आता है, और 7 तारीख को मेरा पापा का बरसी आता है 7 दिसंबर को। मेरी बिजवली बहन की नसीब भी पूरी तरह से खराब है, मेरी जैसी मेरी बिजवली की बहन की भी नसीब खराब है, उसकी दोनों खुशी में दोनों दुख आता है ऐसा है। तो सोचिए डेढ़ महीने का अंदर अंदर मेरा हम लोग का जिंदगी से इतना बड़ा एक पहाड़ टूट के गया था, तो दिन याद आता है ना। वो दिन याद आता है तो बहुत रोना आता है मेरे को, क्योंकि वो खुशी हम लोग के लिए उस टाइम का खुशी एक बदनसीब बन गया था जिंदगी के लिए। तो चलिए मैं सब काट कुट के लूँ, डाल का सीटी गिर रहा है, पहला सीटी हो रहा है, होने दीजिए, फिर कभी बोलेंगे मेरी मम्मी की बात, मेरे को बहुत रोना आता है, उनकी बात याद आएगा तो आप लोग को मैं बाद में बताएंगे पूरी कहानी। चलिए फिर थोड़ी देर बाद मिल रही है गाइस, मैं अभी आलू मेथी बनाने वाली हूँ। कढ़ाई बैठा दी, कौन है? बैठ गया मेरा आलू मेथी की भाजी, इसको ढाप के बैठा दूँ जब तक मैं दाल फोड़ने लगा दूँ, ये होता रहेगा तो दाल फोड़ने लगा।
उसमें कपड़े में वो ये नुमाल पैंट से निकाल के रख ना, पैंट और टी शर्ट को शर्ट को सीधा करके रख। हो गया हमारा कांदा। इधर है डाल बॉय। तो चलिए गाइस, इधर मेथी की भाजी हो रहा है, इधर दाल हो रहा है, ये दोनों होने दीजिए जब तक मैं मेरा लड़का का यूनिफॉर्म को भिगा कर रखूँ, फिर थोड़ी देर बाद उसको धो दूँ क्योंकि उसको भी धोने का है। अभी इतना धूप निकला, कल निकलेगा कि नहीं कुछ पता नहीं, आज धो के डाल देंगे परसों तक। गाइस मेरा दाल तो हो गया, देखें मसूर की दाल बनाई, कांदा डाल के, कांदर कलंजी डाल के डाल हो गया। अभी भाजी जरा देख के लूँ, भाजी भी हो गया मेरा, दाल भाजी दोनों ही हो गए। तो गाइस मेरा मेथी की भाजी भी बन के तैयार। आज हम लोग का सिंपल लंच मेनू मेथी की भाजी और उसका साथ है मसूर की दाल, बस यही है आज, कुछ नहीं उतना। तो चलिए फिर खाना खाने के टाइम आप लोग से मिल रहे। आज का लंच मेनू आप लोग को देखा दी मैंने, गैस बंद, दोनों को ढक के रखूं और मैं जाऊं, जब तक थोड़ी देर में मेरा लड़का को खाना देंगे तब तक मैं ये करके लूँ, कपड़ा भिगा के रखी। ये देखिए उसका यूनिफॉर्म, ये सब भिगा के रखी, ये सब धो के बाहर डाल दूँ, सूख जाएगा, जितना सूखेगा सूखेगा, बाद में का घर में डाल देंगे। चलिए धो के फिर मिल रहे। देखिए क्या मस्त लग रहा है आसमान, आसमान का ब्लू 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 में व्हाइट मस्त लग रहा है। सब धो के हो गए, ये सब सूख ले, और अभी यूनिफॉर्म भी यूनिफॉर्म तो पहना है। चल खाना खा, चल चल, ये इसको खाना दे, खाना नहीं खाना पड़ा है इसका खाने में। देखिए क्या है, काल की बोम्बिल की भाजी, बोम्बिल दाल, दाल रोटी, रोटी हाँ इसका, और मैं मम्मी को भी खाली बिटी बिटी करती है। खाना का खाना दी, खाना का आड़ा ही बज गया, मैं थोड़ी देर में खाएंगे, तू खा, तू बहुत दिमाग खा, खाना दी, खाना नहीं खा रहा। इधर मेरा बटाटा बॉयल बताए, देखेंगे शाम को क्या बना, तू बटाटा बॉयल और सब खाना बन गया, कैसा ही लग रहा है ना, लाइट चला गया, देखे लाइट गया इसके लिए ऐसा लग रहा है। मैं वो ये फ्लैक्स लाइट ऑन की, ये लाइट गई, लाइट कट, कभी भी कट हो जाता है, मीटर चालू, इसका बिजली गुल करना पड़ेगा, इसको बोली खाना खा, डाल गिर जाएगा तो मैं मारेंगे। चलिए फिर मिल रही। तो चलिए गाइस अभी बन रहा है सैंडविच, सैंडविच के लिए क्या क्या ली देखा रहे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग है ना, गुड इवनिंग गाइस, अभी बना रही मैं सैंडविच, सैंडविच के लिए क्या क्या ली देखा रहे। ये बुला हुआ बटाटा है, गोल गोल काट के ली, दो चीज़ का क्यूब ली, इधर बटर है अमूल बटर, और इधर है नमक, चाट मसाला, और ये क्या बोलते हैं इसको, काला मिर्च की पाउडर, ये इधर है टमाटर, गोल गोल काटा हुआ टमाटर, गोल गोल कांदा, गोल गोल काकड़ी, अरे इससे आधा काकड़ी मेरा लड़का खा के गया, ये आज का सैंडविच का ये। तो चलिए आप लोग को दिखा रही हूँ,
और मेरे को चाहिए, इसमें चाहिए सैंडविच के लिए चाहिए टमाटर केचप और ग्रीन चटनी जो मेरा पास था वो, और चाहिए ब्रेड। ये है ब्रेड, तो चलिए मैं बना लूँ फिर आप लोग को देखा रही। मैं भूल गई बटर लगा, एक मिनट गया सर, मेरे को बटर लगाना था, ये कर लो, ये दोनों में लगा रहे, हो गया घूम के। पापा तेरे को छोड़ के वो है ना जो दिल में भरा है तुम ने ठुकरा कि मेरा प्यार, तेरा ही प्यार कोई ठुकराया। चल छुट्टी, इसमें डालेंगे बटर, मैं बटर डालना भूल गई थी। कौन सा बटर नान की तरह है, बटर नान के बटर टिक्का छेड़ा, ये देख सकते हो गाइस अमूल की बटर की टिक्की मोटी वाली। हमारा ये कितना रुपए का मिलता है क्या ये जो आप बेच रहे हो ये कितने रुपए का मिलता है? ये 25 रुपए का। और आप कितना सालों से बना रहे हो? मैं इस फर्स्ट टाइम, तो आप सुन सकते हैं गाइस ये फर्स्ट टाइम है इनका, और यहाँ पे अमूल की बड़ी वाली टिक्की, ओए होए 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 डाल देंगे सर अभी चटनी और बटर में, बटर में और चटनी में कोई कंजूसी से पाना नहीं है, भर भर के लगाए, कूट कूट कर भरे और भर भर के ही लगा रहे। तो ये क्या क्या इसमें डालेंगे? बटाटा, बटाटा आप देख सकते हो गोल गोल कटा हुआ बटाटा, बटाटे में भी कोई कंजूसी नहीं है, ये न्यू स्टाइल है आप देख सकते हो। हमें अभी डालेंगे टमाटर, एड्रेस है मास्क प्लैनेट जादू के घर के पहले, जादू एलियन आपको पता रहेगा तो जादू के घर के पहले, और मास्क का सन के बाद पड़ता है। कांदा, कांदा टमाटर आलू और नंबर लिख लीजिए। आप इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हो, जितना शिमला मिर्च चाहिए उतना आप जाएगा काकड़ी। नंबर लिख लीजिए 973 ब्ला 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 ब्ला, ये नंबर। अभी इसका ऊपर जाएगा थोड़ा सी काला मिर्च की पाउडर। ओके काला मिर्च पाउडर, मिनट इसमें सजा ही नहीं, इसको सजा बेचारे का फेशियल हो रहा है। गाजर लगा दो, गाजर लगा दो, नहीं शिमला मिर्च डाल सकते हैं, जिन लोग शिमला मिर्च खाते हैं उन लोग शिमला मिर्च, मैं शिमला मिर्च बोला ही नहीं तो गाजर का ही कर, इसको गाजर बहुत पसंद है। ककड़ी ककड़ी सॉरी, देखो बेचारे का फेशियल हो रहा है, देखो अभी अरे फाउंडेशन नहीं लगाया, पहले नमक डाल दूं, फाउंडेशन नहीं लगाया, हाँ ये जा रहा है ना फाउंडेशन के लिए। एक ब्रेड में ले लूँ तो बहुत सारा ब्रेड है ना, दो ले लूँ काय के लिए, इतना सारा ब्रेड है। अभी डालेंगे चाट मसाला। ओके आप सबसे मस्त चीज़ हो रही है चीज़, जो अपना चीज़ अमूल चीज़, अमूल चीज़ खाता है इंडिया। आप लोग चीज़ जास्ती डालेंगे तो डाल सकते हो, कोई कोई चीज़ डालता है कोई कोई नहीं डालता, हम लोग डाल के सब डाल के खाएंगे। अबे हो गया, इसको अब ऐसा करके दावा देने का, ये दो बन के तैयार। अब ये दो को सेकने के लिए मेरी लड़की जाएंगे, जब तक मैं दूसरा बना प्लेट लेके, देखिए हम लोग का सैंडविच बन के तैयार।
कोई कोई ऐसा कच्चा भी खाता है, तो हम लोग कच्चा नहीं खाएंगे, इसको सेक के खाएंगे। बस चलिए अभी दूसरा भी बनाना तैयारी करो। चलिए अभी इसमें इस बार अच्छे से करेंगे, इस बार याद से सब करेंगे। तभी थोड़ा पहला टाइम गड़बड़ गड़बड़ हो गया था, इस बार नहीं, इस बार कोई गड़बड़ नहीं चलेगा। ठीक है, तीन बन क्या? नहीं, चलिए पहले मैं बटर, चलिए अभी पहले मैं सब बटर लगा के लेंगे, पूरा सैंडविच में बटर लगा के लूँ। सेम अभी सब करेंगे जैसा, लेकिन तब कैसा बटर लगाना भूल गई थी मैं, इसके लिए थोड़ा गड़बड़ हो गया था, अभी लगा लूँ। चले गए अभी बराबर कर ली, अभी इसमें डाल देंगे, दो में डालेंगे हरा चटनी और दो में डालेंगे टमाटर सॉस। अभी दो में टमाटर सॉस डालेंगे, इसको भी मिक्स करके लें, ज़्यादा नहीं डालेंगे मैं हरा चटनी क्योंकि दिक्कत। चले गए इसको खोल लूँ पहले, एक मिनट है, इसको पाल्टी करने का, थोड़ा सा बटर लगा दू इसका ऊपर। गैस में सोलो ही राखी, फास्ट नहीं की, सोलो गैस में इसको बना रही। मैं अगर नहीं देखेंगे ना एक खोल के इसको, जब तक मैं बोलेंगे नहीं ये कर वो कर, वो तब तक नहीं करेंगे। ऐसी है, चाहे जल जाए चाहे कुछ भी हो जाए, वो मोबाइल चलाने में मस्त मली रहेंगे, लेकिन उसको उठा के देखूं घुमाओ कि नहीं घुमाओ वो सब नहीं। देखिए क्या फायदा हुआ मेरे को, अरे नहीं खाऊंगी मैं, जल ऐसा जल गया तो फायदा ही क्या है, नहीं खाऊंगी। बहुत गुस्सा आता है मेरे को जब मेरा कुछ भी चीज ऐसा बिगड़ जाता है तो, बनाने का बाद। ठीक है मैं खा लूंगी, तुम लोग ना मैं खा सकती हूँ। चलो इसको होने दीजिए, दूसरा में बनाएंगे, इसको ऐसा ढाक दो आप भी हो जाएगा। चले गए से हो गया, वो सब ले क्या, हाँ ये दोनों हो गए, अभी फिर से बनाएंगे मैं, फिर इसमें बटर डालू थोड़ा सी। चले गए से दूसरा वाला बैटर दी, इसको भी ढाक दूँ, अभी थोड़ी देर में ये हो जाएगा, फिर आप दो बना। चले गए देख लीजिए हमारा सैंडविच कैसा बना, मैं फर्स्ट टाइम सैंडविच बनाई, अभी तावा में सैंडविच देखे कैसा मस्त लग रहा है ना, लहर भी, काकड़ी, टमाटर, कांदा, चीज़, फिर ये देख लीजिए। मैं बोली ना मैं सब सीखती हूँ, सीखने का उम्र नहीं रहता, मैं सब सीखते रहती हूँ, और बीच में से काट के भी बाबा आवाज कम करो ना, देखे बना के हो गया, एक मिनट है। तो गाइस आज पहली बार सैंडविच बनाई, ये देखिए खा के भी बता रहे कैसा है ना, आप क्या ही बना, आप रिव्यू देंगे बाबा कैसा बना, वो भी खा रहे हो तो क्या, अब बहुत टेस्टी भी बना सैंडविच, पहली बार बनाई, ऐसा आप लोग भी बना के
खा कर देखने का कैसा बनता है। और जो काम मैं तो बोलती हूँ बाहर से खरीद कर खाने से अच्छा खुद घर पे ही बना कर खाने का, सैंडविच मेकर नहीं रहेगा तो भी चलता है, अपना फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। मैं फ्राई पैन में बनाई, सैंडविच का वो नहीं है मेरे पास सैंडविच मेकर, तो मैं फ्राई पैन में बनाई, ऐसा है टेस्टी भी बने, पहली बार सक्सेस हुई। तो चलिए खा लूँ फिर मिल रहा आप लोग से। ठंडा हो जाएगा ना गाइस तो मज़ा नहीं आएगा, मुश्किल है खल गर्म गर्म। मेरी लड़की को देते हैं और खा रहा है, जैसा उन लोग डालते हैं ना बाहर उससे सेम सब डाली मैंने, चटनी टमाटर सॉस चटनी उटनी सब डाली, अब खाने में टेस्टी भी बना बहुत। आप लोग भी ऐसा घर में ट्राई करके देखने का कैसा बनता है फिर मेरे को बता, क्योंकि मैं जैसा बनाई ना घर में टेस्टी बनाओ, दुकान से खरीदने से अच्छा घर पे ही बनाओ खाओ ऐसा है। तो अभी तो उसका उसको भी दी, वो भी खा रहा है, वो बाद में खाएंगे। तो चलिए वीडियो भी ख़त्म कर दे रही, आज के लिए वीडियो इतने, कल फिर नया वीडियो का साथ मिलेंगे। हम लोग का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, उसके लिए पैसा नहीं लगता है। तो चलिए कल मिलेंगे नया वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शिवरात्रि, शिवडीम और हैप्पी नाइस डे, टेक केयर। और मेरी लड़की बोलती है क्या मालूम है, तो चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना और हैप्पी नाइस डे, कल फिर नया वीडियो का साथ मिलेंगे। तो चलिए बाय बाय, दुआ करने का।